जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में किसान कल्याण मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर आए स्नातक MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और किसानों को सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बुधवार को ब्लॉक परिसर में किसान कल्याण मेला के तहत कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। किशनी से रचित पांडे की रिपोर्ट। कार्यक्रम का भाग लिया है, क्या क्या योजना बताया आपने? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल योजना, इनका लाभ हो, चाहे MSP देने की बात हो, कृषि विज्ञान मेलों के माध्यम से किसानों के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी बात हो, जो अनुदान की बात है ट्रैक्टर से लेकर रोटावेटर से लेकर कृषि यंत्रों तक, साथ में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कैसे हो जाए, इसके लिए जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार कर रही है। आज उन सारे योजनाओं के बारे में वर्मी कंपोस्ट से लेकर अपना जो जमीनों की हमारी जांच है उस सब की योजनाओं के बारे में कृषि मेले के माध्यम से बताया गया है। सोलर पंप हो, सोलर हमारे पैनल हों, इन सब में अनुदान मिलने की जो बात है वो सब बताई गई है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार किस प्रकार से दिन रात एक करके किसान का सम्मान कैसे हो, किसान मजबूत कैसे हो, इस ओर लगी है, उसके लिए आज ये मेले का आयोजन किया गया है। उसमें हम सब लोगों ने जाने को किसान आए उनको लाभान्वित किया गया है। कोरोना वैक्सीन जिस तरह कुछ समय में 2-3 दिन के अंदर कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया है, ऐसा शर्मनाक बयान पिछले 70 वर्षों में किसी राजनेता द्वारा नहीं दिया गया। मैं उनके अखिलेश यादव जी के इस बयान की बहुत निंदा और घोर भर्त्सना करता हूँ। उनके बचकानेपन, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अनौचित्यपूर्ण बयान दिया है, आशुतोष सिन्हा उनके जो MLP हैं कि यह कोरोना वैक्सीन लगने से नपुंसकता फैलेगी, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, जातीय राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उचित धाराओं में कार्रवाई सरकार को। जिस तरह MLA साहब दिल्ली में किसान बैठे धरने पे करीब एक महीने से, कोई किसान धरने पर नहीं है वहाँ। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से और शाहीन बाग से लेकर AMU और JNU तक में जिस प्रकार से अराजक तत्वों का जमावड़ा था, वही 15-20 चेहरे आज वहाँ है जो सरकारी मांग की